अगला सवाल हम धनंजय सर आपसे लेंगे कि आज भी सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि 13 मार्च से चल रहा ये ड्रामा पीएम मोदी के इशारे पर ही चल रहा है, क्या लगता है आपको? तो ये कहाँ, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। जब मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के, तो उन्होंने संसद के सामने जो है साष्टांग किया था, और हम सब के मन में लगा था कि कुछ जो है नया करेंगे मोदी जी, चूंकि इस तरह की स्थिति हमने देखी नहीं थी। साष्टांग, संसद को साष्टांग करने का मतलब होता है कि लोकतंत्र को आप जो है हृदयंगम कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसको सर्वोपरि मान करके काम करेंगे। लेकिन हमने देखा क्या पिछले 9 वर्षों में, जो संसद है वो संसद भवन क्यों बना है, संसद क्यों बनाई गई है, और लोकतंत्र जो है उसमें दो पक्ष है, एक सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, और दोनों को मिलकर के काम करना है, क्योंकि चूंकि दोनों जनता का प्रतिनिधि है, जो पार्टी सत्ता पक्ष में है उसको भी जनता ने चुना है और जो विपक्ष में है उसको भी जनता ने ही चुना है। लेकिन इन्होंने किया क्या, पूरा पूरा कोशिश की पूरे 9 वर्षों में ये कि जो विपक्ष है वो देशद्रोही है, वो देश को सही दिशा में ले नहीं जाने देना चाहती है, जो विपक्ष के जो लोग हैं ये स्थापित किया, और जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो नेता रहे राहुल गांधी, उनको पप्पू घोषित किया, और जितने भी लोग हुए जो मोदी जी का विरोध करेगा वो देशद्रोही है, ये एकदम एक चला दिया। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलाया, अपने व्यवहार से चलाया, ईडी, सीबीआई, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब ने मिलकर के इस तरह का एक 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 परसेप्शन गढ़ा कि जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, जो मोदी जी की चाहत के अनुरूप नहीं चलेगा, वो देशद्रोही है। भाई, इस लोकतंत्र में कोई देशद्रोही नहीं है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, आप गोडसे को महान मानिए, हम गांधी को महान मानते हैं, बहुत सारे देश में जनता है जो उनको लगता है कि गांधी नहीं सही थे, गोडसे बड़ा सही थे, उनको भी रहने दीजिए, नेहरू ने या जो है पटेल ने या और दूसरे लोग जो आए उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि जो गोडसे की बात करेगा उसको फांसी की सजा दे देंगे, वो देशद्रोही है कहते, ऐसा तो नहीं कहा। तो सबको रहने का अधिकार है, लोकतंत्र में यही तो खासियत है, और हमारा लोकतंत्र इसलिए विशेष है कि इतना विशाल है, इतने भाषा भाषी के लोग हैं, इतने धर्म के लोग हैं, इतने संस्कृति के लोग हैं, और सब हम लोग एक मंच पे मिलते हैं, पूरी दुनिया, पूरे देश के जो है प्रतिनिधि जो है संसद में मिलते हैं और देश की समस्याओं पे बात करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं कि हमारे देश की जनता कैसे आगे बढ़े, दुनिया के कदम ताल में अपने कदम, अपने पैर को आगे बढ़ाए, इसीलिए संसद बनाई गई। संसद विधायिका जो है कानून बनाने का काम है, समस्याओं पे चर्चा करने का काम है, बजट बताने का काम है कि हम इन इन मदों पे क्या क्या करेंगे, यही सब काम है। तो ये पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है, बाकी आनंद भाई साहब और उमाकांत जी हम लोगों से सीनियर हैं तो बताएंगे, लेकिन सरकार ही संसद को रोक देना चाहती है, सरकार ही चाहती है कि किसी विषय पे चर्चा ना हो, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आमतौर पे हम ये देखा करते थे कि विपक्ष के लोग जो है किसी बात को लेकर के चर्चा करना चाहते थे और कन्विंस नहीं होते थे तो अलग से लोग बैठते थे, और जो लोकसभा अध्यक्ष होते थे, जो उपसभापति होते थे राज्यसभा के, वो ये सभापति होते थे राज्यसभा के, वो विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके एक रास्ता निकालते थे। लेकिन यहाँ तो रास्ता निकालने की जगह ही नहीं है, यहाँ तो ऐसे लगता है कि संसद जिस तरह से म्यूट कर दिया जाता है, ऐसा लगता है कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है चीजों को, या किसी के कहने पे आदेश आता है और वो हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। जैसे हम लोगों को पता नहीं चला कि नोटबंदी होने वाली है, हम लोगों को पता नहीं चला कि जो है देश बंद होने वाला, तालाबंदी होने वाली है, लॉकडाउन होने वाला है, अचानक प्रधानमंत्री जी आए, ताली बजाए और घोषणा कर दी कि अभी 8 बजे के बाद जो है नोटबंदी हो रही है, अभी 8 बजे के बाद जो है देश बंद हो जाएगा। वो ऐसा ही लग रहा है कि एक आदमी आता है और कहता है कि संसद को म्यूट करो, और संसद म्यूट हो जाता है। संसद जो है वो कौन सी जगह है, वो सबसे बड़ा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर अगर है तो राम मंदिर या कोई जामा मस्जिद नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर जो है वो संसद है, जहां हर व्यक्ति के, गरीब से गरीब आदमी के भाग्य और अमीर से अमीर आदमी के भाग्य का फैसला होता है, जहां उसके भाग्य का फैसला नहीं होता, मैं कहूं कि भाग्य का गढ़न होता है, निर्माण होता है, वहां भाग्य गढ़ा जाता है कि भविष्य आपका कैसा होगा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको हम क्या देने जा रहे हैं, ये इसकी इसकी बात होती है। लेकिन ये सारा सब इसलिए कर रहे हैं मोदी जी या उनकी पार्टी कर रही है कि वो अडानी के मैटर पे बुरी तरह फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम, उनके लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी जांच करे और रिपोर्ट दे, सेबी को जांच करना है,
लेकिन सेबी के तो ये रेगुलर काम थे, सेबी का काम ही यही है कि शेयर बाजार में कहाँ गड़बड़ी हो रही है उसका ध्यान दे और उस पर जो है रिपोर्ट बनाए और उस पर अपना लगाम लगाए या जो करना जो निर्णय लेना है ले, वो नहीं लिया निर्णय। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जवाब दो, सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर रही है, कोई उसके कोई कमेटी नहीं बनाई गई जो जांच करेगी। कमेटी इसलिए बनाई गई कि सेबी क्या रिपोर्ट देती है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करके सामने रखना है। तो अडानी वाले मैटर पे अगर आप राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे या विपक्ष के और नेता जो सवाल उठाना चाहते थे उन सवालों के अगर जवाब देते आप, प्रधानमंत्री जवाब देते तो शायद इतना बड़ा बखेड़ा नहीं होता। अगर आप जेपीसी से आप क्यों भाग रहे हैं, जेपीसी कोई पहली बार हो रहा है और जेपीसी में बहुमत तो आप ही का, आप ही के पार्टी का आदमी कोई अध्यक्ष होगा, जेपीसी का आप ही का बहुमत होगा, फिर क्यों डर रहे हैं? जो निर्णय लेगी कमेटी उसी पर बात होगी, लेकिन इनको डर लग रहा है कि इनके राज जो है जो छुपाए हुए हैं वो खुल जाएंगे। अब बताइए जी, अडानी को छोड़ दीजिए, अभी दूसरे मसले पे आइए। अभी जो 3 मार्च को जिन्होंने अरेस्ट किया है और 17 मार्च को बताया है कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया किरण पटेल नाम का, जो बताइए वो प्रधानमंत्री पीएमओ का बोल रहा है मैं डायरेक्टर हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या कुछ हूँ, और उसको जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। जेड प्लस सिक्योरिटी कैसे मिल गई? आप राशन कार्ड लेने जाइए तो 36 तरह के सवाल किए जाते हैं आपसे, आपको 36 तरह के सबूत देने होते हैं, और जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है जिस व्यक्ति को वो फ्रॉड बताया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं घोर घनघोर टेंशन, कहीं कोई घनघोर राज है जो देश के सामने खुलेगा तो मुझे लगता है कि इनके जो है धज्जियां उड़ जाएंगी। तो संसद नहीं चलने देना, लोकतंत्र को ठप कर देना है और लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी जी ने लगातार कोशिश की है, कहां प्रेस से संवाद किया इन्होंने, ये अक्षय कुमार से संवाद करते हैं, अक्षय कुमार पत्रकार है क्या? अक्षय कुमार देश की जनता के, उस समय तो अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक थे, अभी उन्होंने कनाडा का नया नागरिकता छोड़ी है, तो हिंदुस्तान के पत्रकार जो इतने बड़े पत्रकार हैं सब, उनसे क्यों नहीं संवाद कर रहे हैं? पब्लिक से सीधे संवाद कर रहे हैं तो आप चुनी हुई पब्लिक लाते हैं और उनसे जो है टेलीप्रम्प्टर से या जैसे कहिए आप बात करते हैं, पता चलता है कि वो आप बता रहे हैं कि वो लहसुन उगाने वाला किसान है, बाद में पता चलता है उसने लहसुन कभी उगाया नहीं, वो किसान ही नहीं है। आप कहते हैं कि इनको घर का लाभ मिला है, बाद में महिला बताती है कि हमको घर मिला ही नहीं है, आप उसका पोस्टर बना करके छाप रहे हो कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। तो हर जगह आपका झूठ पकड़ा जाता है। आपके लोग कहने लगते हैं कि आपको नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है, आपके लोग कहने लगते हैं कि आप विश्वगुरु हो गए हैं, आपके लोग कहने लगते हैं कि आप जो है दुनिया में महान नेता मोदी जी हैं और वो रसिया और जो उसका झगड़ा चल रहा है वहां पे वो दोनों ये ठीक करा देंगे। और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आप खंडन, अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़िए, जितने गोल्ड मीडिया के चैनल है वो क्या करते रहते हैं, गोदी मीडिया के चैनल ने चलाया है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं चलाया। ये गोदी मीडिया के चैनल ने कहा कि जो है मोदी जी दुनिया के लीडर है और जो ये जो झगड़ा चल रहा है उसको निपटा देंगे, शांत करा देंगे। तो इतना सब अगर आप कर सकते हैं, अगर झूठ है तो उसका खंडन कीजिए ना, आप बोलिए ना प्रेस में आकर के, आप जैसे रात में 8 बजे आके बंद करते हैं वैसे रात में एक दिन रात में 8 बजे आइए और बोलिए कि हमारे बारे में ये सब जो चल रहा है वो गलत है, वो सही नहीं है। कम से कम आप उनको तो सही इन्फॉर्मेशन दीजिए जो आपको वोट देते हैं, 22 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया है, उनको तो सच बोलो, उनके सामने तो पेश हो जाओ, छोड़ो जो विपक्ष के लोग हैं उनके सवालों से आपको डर लगता है, तो 22 करोड़ लोगों से तो कहो, उनके प्रति तो लॉयल रहो। लेकिन आप उनके प्रति भी लॉयल नहीं हो, क्यों नहीं लॉयल हो? चूंकि आप कॉम्प्लेक्स्ड हो, हीन भावना के शिकार हो, आपको लगता है कि आपके सारे राज खुल जाएंगे, वो चाहे शिक्षा से जुड़े हुए हो या निर्णय से जुड़े हुए हो या आप जो काम कर रहे हो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करो, सारी लोकतांत्रिक जो जो संस्थाएं हैं उनको आपने ध्वस्त कर दिया है, उन सब पे आप जो है जवाब देने की स्थिति में नहीं हो, इसलिए आप संसद को भी ठप कर देते हैं। जी अगला सवाल धनंजय सर आपसे है, सदन की कार्रवाई न चलने देने से क्या सरकार को कोई फायदा होगा या फिर उसका कोई नुकसान भी नजर आ रहा है? देखिए सरकार को तो कोई नुकसान नहीं है, देश को नुकसान है, और ये इतना नुकसान कर देंगे कितना अंग्रेजों ने भी नुकसान नहीं किया देश का। कोई भी चीज चलती है उसका सिस्टम होता है। नरेश सक्सेना जी की एक बड़ी चर्चित कविता है कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के नियम नहीं होते। तो जो नियम आप खत्म कर देते हैं ना, तो नियम जब खत्म कर देते हैं तो ऐसी गिरावट आती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, उसके मलबे हटाते हटाते जो है आपकी देश की ढेर सारी संपत्ति बिक जाएगी। तो मोदी जी जो है जो अघोषित तौर पे इसको कहेंगे डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। अभी आनंदवर्धन भाई साहब ने कहा कि ये जो है जो प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं या इसके इनके पहले जो थे
उन बेचारे की हैसियत भाई साहब सांसद की नहीं है, वो मोदी जी के नाम पर जीत करके आए हैं। तो जो 303 सांसद जो बीजेपी के हैं वो मूलतः मोदी जी के नाम पे जीत के आए हैं। तो मोदी जी के नाम पे जो जीत करके आए हैं, मोदी जी के कहने पे जिनको टिकट दिया गया है, वो क्यों कैसे मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे? जगदीप धनखड़ साहब उनके उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए उस इस नाते नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सवाल उठाने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई आप जब राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के तो क्या नहीं हुआ, क्या नहीं, कौन सी मर्यादा आपने रखी? इसके पहले उमाकांत भाई साहब ने कहा जब उनके साथ देवीलाल जी के साथ जब थे, तो हम लेटेस्ट सब लोगों ने देखा कि जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे तो क्या नहीं किया उन्होंने, पूरी तौर पे जो है राजनीति की, और बीजेपी के आलाकमान ने जो चाहा उस तरीके से राजनीति की। अभी जब लोकसभा में जब राज्यसभा में आए हैं तो वही कर रहे हैं। आप सीधा सीधा बोल देते हो कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, माइक ऑफ नहीं किया गया। लेकिन भाई अब तो संसद ही ऑफ हो जाती है, वो भी सब लोगों ने देख लिया, तो आपकी बातों का कितना वजन है वो लोग देख रहे हैं, और ये सब देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो है जो व्यवस्था है जो संसद है वो चलाई जा रही है पीएमओ ऑफिस से। उस अभी अभिषेक चले गए, अभिषेक ने क्या कहा कि ये जो सुमित्रा महाजन जो उस कमेटी की चेयरपर्सन थी, सुमित्रा महाजन तो बीजेपी के नेता थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट में सुषमा स्वराज की बात भी रखी गई। तो लोकतंत्र इसी तरह से चलता है, लोकतंत्र डिक्टेटरशिप नहीं है। लोकतंत्र में तो बात यह है कि एक भी आदमी अगर सवाल करता है तो उस सवाल के जवाब, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी, उसको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या परसेप्शन कर दिया है, और ये बड़ी भयावह है लोकतंत्र के लिए, ये परसेप्शन कर रहे हैं कि जनता ने इनको बहुमत दिया है, यानी इनको सरकार चुना है तो इनके खिलाफ कोई बोलो मत। जो विपक्ष में लोग हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं, और विपक्ष का कोई आदमी अगर विरोध करेगा तो देश विरोधी है, देशद्रोही है, जनता के खिलाफ बोल रहा है। आपको 22 करोड़ लोगों ने वोट दिया, तो 22 करोड़ लोगों ने वोट दिया तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको वोट नहीं दिए, उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में जब एक व्यक्ति का सम्मान करने की बात कही जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है लोकतंत्र में कि नियमों से ऊपर विवेकाधिकार को स्थान दिया गया है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम कीजिए, लेकिन आप तो सारे नैतिक मूल्य, सारे कानूनी पहलू, सारे सैद्धांतिक पक्ष सबको ध्वस्त कर रहे हैं। और जब सबसे सबको ध्वस्त करने वाला जो माहौल होता है वो बाढ़ का माहौल होता है, बवंडर आता है, तो बाढ़ जब आती है तो बर्बादी लाती है, बाढ़ कहीं आबादी नहीं लाती है। तो ये जो हो रहा है, ये जो कर रहे हैं मोदी जी, ये केवल कांग्रेस का नुकसान नहीं कर रहे हैं या किसी दूसरे विपक्षी पार्टी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये भारत की जनता का नुकसान कर रहे हैं, भारत की अस्मिता को क्षति पहुंचा रहे हैं। और भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का मतलब होता है कि यहाँ जो एक स्वप्न देखा गया देश की आजादी को लेकर के, उन सबका अपमान कर रहे हैं, जो सरहद पे जो सिपाही खड़े हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए, उसका अपमान कर रहे हैं आप। कि किरण पटेल जैसा व्यक्ति जो है, जो फ्रॉड आप कह रहे हैं जिसको, वो जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर के वहां घूम रहा है, जो सबसे सेंसिटिव इलाका है जम्मू कश्मीर, क्या क्या किया होगा पता नहीं। आनंद भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 3 मार्च को गिरफ्तार होता है और 17 मार्च को आप न्यूज फ्लैश करते हैं, यानी 14 दिन में आपने क्या क्या किया है, सारे फुटप्रिंट मिटाए हैं आपने। लेकिन भाई साहब फुटप्रिंट मिटते नहीं है, निशान जो एक बार आ जाता है ना, घाव भर जाएंगे, निशान नहीं मिटते। तो लोकतंत्र के चेहरे पे, लोकतंत्र के शरीर पे ये जो घाव लगाए हैं मोदी जी ने, या ये मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में, वो कभी मिटेगा नहीं। और भारत माता की जय और भारत माता का नारा लगाते हैं, हिंदू धर्म का नारा लगाते हैं, हिंदू धर्म का सबसे नुकसान इन्होंने पहुंचाया। हिंदू धर्म के जो पीठाधीश है जो कौन है, वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य कहाँ दिखाई पड़ते हैं, धर्मज्ञ जो है वही धर्म के सर्वोपरि होंगे ना, कहाँ है वो, कौन उनकी राय ले रहा है, कौन उनकी बात सुन रहा है। धर्म के पहलू भी आप डील करें, शिक्षा के पहलू भी आप डील करें, पीएमओ डील करें, दुनिया मतलब देश में जितनी सारी चीजें हैं वो पीएमओ डील करें। अरे भाई लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है, राजशाही में भी जनता की बात सुनी जाती है। किसानों की आपने सुनी नहीं, युवाओं की आपने सुनी नहीं, महिलाओं की आप सुनते नहीं है, किसकी सुनते हैं आप। तो अब इस देश की जनता को सोचना है कि कैसा भविष्य उनको चाहिए, उनकी पीढ़ियों आने वाली पीढ़ियां जो है वो रोजगार चाहती हैं
या मंदिर में घंटा बजाना चाहती है झूठ मूठ, या अजान देना चाहती है झूठ मूठ कर, पाखंड खड़ा करना चाहते हैं। कोरोना काल इस पीढ़ी ने देखा, इतनी बड़ी महामारी देखा है, कौन मंदिर मस्जिद खुला हुआ था? सब डॉक्टर दिन रात काम कर रहे थे, मरने वाले डॉक्टर थे, वो काम करते हुए मरे। ये कौन किस मंदिर का महंत मरा लोगों की सेवा करते हुए, किस मस्जिद का मौलाना मरा इस देश की जनता की सेवा करते हुए? लेकिन जनता की आंख पे पट्टी इसलिए कि जनता की आंख पे पट्टी आप उनको पढ़ाने के बजाय शिक्षा बजट क्यों घटा देते हैं? शिक्षा बजट तो बढ़ाना चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ रही है। हम जब भाई साहब आनंद भाई साहब जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे बिहार में 2.5 लाख बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान देते थे, आज की तारीख में 18 लाख बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, तो बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। आप शिक्षा का बजट घटाते जा रहे हो, तो आप अनपढ़ इसलिए बनाना चाहते हो कि अनपढ़ व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है और उसको लगता है कि सब ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाला के नाम पे आप ढोंग कर रहे हो, आप ठग रहे हो। तो आप धर्म पे जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनको भी ठगने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता की चेतना किसी दिन लौटेगी, और जब लौटेगी तो इनका पता नहीं रहेगा।